तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाले हैं गुरदासपुर में। गुरदासपुरी में आपको ऐसे तरह के मिठाइयाँ जो होंगे, गुड़ होंगे, आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, इस तरह के गुड़ यहाँ पर, ये इस तरह की चीज़ें दिख जाएगी। एक को गिरी वाली गुड़ कहते हैं और एक को शादी वाली गुड़ कहते हैं। इस तरह की गुड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाने को मिलेगा। ये देखिए भाई साहब का, ये जो है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हैप्पी सिंह है और ये गुरदासपुर से यहाँ पर आके ये डेली। आप गुरदासपुर में रहते हैं? धारीवाल में रहते हैं। अच्छा, ये धारीवाल में रहते हैं और भाई साहब यहाँ पर ये गुड़ बेच रहे। कितने साल हो गए आपको बेचते बेचते? कम से कम कोई 18-20 साल हो गए जी। अच्छा, 20 साल हो गए जी जी। और जब पहली बार बेचा था तो कितने रुपए किलो थे गुड़? वो तो हैगा सी का 20 20 रुपए थे, आज 70 रुपए हो गए। तो 20 साल पहले 70 रुपया, 20 साल पहले 20 रुपया था, आज 20 साल बाद 70 रुपए हो गया। तो ये देखिए, इसी तरह के यहाँ पे गुड़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और इस तरह की चीज़ें हैं। और ये देखो मेरे लिए गुड़ भी खिला रहे हैं। और ये देखो, ये इस तरह के, ये गुड़ एक मिनट ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह के यहाँ पे गुड़ मिलते हैं। इसको गिरी वाले कहते हैं, इसको गिरी वाले कहते हैं। तो ये देखिए, ये गिरी वाले गुड़ है और इस तरह के गुड़ मिलते हैं। तो चलिए, हम आपको और भी आगे बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे चलते चलते, और भी बताएंगे बटाला सिटी के बारे में। हेलो दोस्तों, आगे चलते चलते बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताएंगे आपको। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बस स्टैंड के पास, और जो सिक्खा साहब जो नाम है, मेहता चौक है, ये उसी चौक पर हूँ मैं। और यहाँ से चलते चलते और भी सारी चीज़ें के बारे में मैं दिखाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा। काफ़ी बहुत बढ़िया है यार, सच कह रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया है। और आप कभी भी यहाँ पर आइएगा, इस तरह की चीज़ें आप बहुत लीजिएगा, बहुत पसंद आने वाला है। और कभी भी बटाला घूमने का अगर मन करे तो ज़रूर घूमिएगा। और ये देखिए, इस चौक के पास हूँ, इसी चौक के पास मैंने आपको दिखाई थी। और चलिए मैं आपको सामने का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। ये रहा सामने का नज़ारा। अब मैं जा रहा हूँ सीधा बस स्टैंड की तरफ, और बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखाई है आपको। और आपको कैसा लगा आप हमारे चैनल में ज़रूर बताइएगा, ब्लॉग को ज़रूर बताइएगा। और मुझे आशा है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं और भी एक्सप्लोर करूँगा बटाला को, और भी दिखाने की कोशिश करूँगा अलग अलग, और भी यहाँ क्या है। अभी धूप बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 40-41 डिग्री धूप है, इसके लिए मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं बटाला के ये वेजिटेबल मार्केट्स में। ये है बटाला का सब्ज़ी मार्केट, और दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये बटाला का ये सब्जी मार्केट है, और ये सब्जी मार्केट आपको दिखाऊंगा। और मैं कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ने वाला हूँ यार, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जी मार्केट भी एक्सप्लोर कराऊंगा। तो मैं इस बटाला के सब्जी मार्केट में हूँ, और आप देख सकते हैं मार्केट में से भीड़ लगी रहती है। ये बस स्टैंड है ना, वो बस स्टैंड के पास ही है। तो ये इस तरह की सब्ज़ी मार्केट है और इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। फ्रूट्स के मार्केट हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसी तरह के फ्रूट्स के और सब्जी के मार्केट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर, और बाहर भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा इस मार्केट में। तो ये मार्केट से मैं बाहर जा रहा हूँ, और सामने ही बस स्टैंड है, और बस स्टैंड से मैं और कहीं जाऊँगा। और इसी बस स्टैंड से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये रोड है एक धारीवाल, और वहाँ पे जाती है पठानकोट की तरफ जाती है, और ये सड़कें जाती है, ये बैक साइड है। और अभी मार्केट यहाँ पे हुए वो 12-12:30, 2 बजे के बाद ये लग जाती है। और ये देखिए, हम आ गए हैं पेट्रोल पंप के पास, जो मैंने आपको पेट्रोल पंप दिखाया था। ये देखो, ये रोड सीधा जो दूसरी रोड है वो मेन रोड है। तो ये देखिए, ये निकल जाएंगे हम बाहर की तरफ। दोस्तों, मैं बहुत सारी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, बस यही सारी चीज़ें हैं। ये बटाला का दर्शन आपको हो जाने चाहिए।
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, घूमने को मिलेगी। मेरे पीछे ये देखिए, ये पंजाब की रोडवेज आ रही है, शायद आपको दिख जाएगी। ये देखिए, ये पंजाब की रोडवेज है, जो बसें जा रही हैं वो। और भी मैं दिखाता हूँ आपको, घूमते फिरते सारा कवर करता हूँ, मेन मार्केट, मेन सारी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें हैं। गर्मी बहुत है दोस्तों, धूप बहुत है, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ।